उससे पूछा कि बात क्या है, उसने मुझे बोला कि लीना मैं ऐसे नहीं रह सकती, मुझे इन चीज़ों से निकलना है, ये जो भी चीज़ें मेरे साथ हो रही है बहुत गलत हो रही है. तो आई आस्क्ड सर कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज. सलोनी उसके घर पे जाके एवरी टाइम शी इज़ टू टॉर्चर हर, शी इज़ वो लिटरली उसे अटैक करती थी, और ये तभी होता था जब राहुल घर पे नहीं होता था. प्रत्युषा ने उसे बहुत बार बोला है कि लाइक राहुल प्लीज टेक सम एक्शन ऑन दिस, उसने कभी कुछ नहीं किया वो चीज को लेकर. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल है जहां पर प्रत्युषा पे अटैक कर रही है सलोनी शर्मा और राहुल खड़े हुए देख रहे हैं. सलोनी शर्मा ने लास्ट कॉन्वर्सेशन अपनी आई थिंक वन ऑफ एक न्यूज चैनल पे कहा था, उन्होंने कहा था कि मेरा राहुल से और प्रत्युषा से कोई लेना देना नहीं है, मैं उनके टच में नहीं हूँ और प्रत्युषा की डेथ से उसका कोई संबंध नहीं है. अगर ऐसी बात है तो जब प्रत्युषा की डेड बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया गया था तो हॉस्पिटल में सलोनी राहुल के साथ थी और फिर सलोनी को वहां से कहा गया कि तुम वहां से चली जाओ और सलोनी गायब हुई और फिर राहुल गायब. एक मिनट, ये हॉस्पिटल वाली बात मैंने सलोनी से बात की थी कि ये सब क्या हुआ है, क्यों हुआ है और किस लिए, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस. उसने बोला कि यार मुझे कैसे पता, तो मैंने बोला इसे हॉस्पिटल किसने लेकर आया था, तो मुझे बोले कि राहुल के साथ चार पांच लोग और भी थे. हाउ कम उसको कैसे पता कि राहुल के साथ पांच छह लोग थे जब वो नहीं आई थी उस रात, जब राहुल गायब हो गए थे, जब वो कहीं अवेलेबल नहीं थे, कहीं मिल नहीं रहे थे, उनका फोन स्विच ऑफ हो गया था. तो राहुल की कार कहाँ पर थी? हाँ, राहुल की कार सलोनी के घर के पास पार्क थी. So that means मतलब रात भर वहीं पे रुका हुआ था. कहीं जो किसी भी cannot be sure वो वहाँ रुके थे नहीं रुके थे, but the fact is उनकी कार सलोनी के घर के पास थी. सलोनी was at कोकिला, then she vanished from there. सलोनी ने अपने हर इंटरव्यू में इस समय बोला कि उनका राहुल से और राहुल की वो एक्स रह चुकी हैं और उनका उनसे कुछ लेना देना नहीं रहा है जब से प्रत्युषा के साथ वो रिलेशनशिप में गए, which is not true. She has been torturing. सलोनी had tortured प्रत्युषा regularly. आप उनके पड़ोसियों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनके सिक्योरिटी गार्ड से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उन पर फिजिकली ऑलमोस्ट असॉल्ट किया है. और राहुल एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नोइंग द फैक्ट ये लड़की आपकी गर्लफ्रेंड को टॉर्चर कर रही है, उसके बाद भी पार्टी करते हुए पाए गए हैं उन्हीं के साथ, there are enough evidences. If when the police will be asking for it, we will be going in and help them whatever way we can. This is one of the major incidences which will reveal that there is way more things. बहुत ज्यादा है इस कहानी के पीछे, जहां पर ये दिखाया जा रहा है इस समय कि राहुल बहुत प्यार करते थे प्रत्युषा बैनर्जी को, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थे, बस छोटे मोटे झगड़े होते थे और वो शादी करना चाहते थे. एक रात रोकर पहले रोते हुए उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि वो फाइट बैक करना. व्हाट वाज हर लाइन? शी वांट्स टू फाइट बैक. मैं ऐसे नहीं रह सकती, मुझे इन चीज का जो भी है, आई वांट टू सॉर्ट आउट विद दिस, मुझे निकलना है इन चीजों से. राहुल हैड फिजिकली असॉल्टेड प्रत्युषा बैनर्जी इन पब्लिक, नॉट जस्ट इन प्राइवेट. सो हम ये नहीं बोल रहे कि उसने प्राइवेट में मारा या नहीं मारा, पब्लिकली एक पार्टी में उन्होंने हाथ उठाया था प्रत्युषा बैनर्जी पर. This is something where with proof there are people who have seen this and they will go ahead and testify in front of the police when they will be called for. So वो एक बहुत ही अच्छी relationship नहीं थी. प्रत्युषा बैनर्जी ने जब मुझसे कॉन्वर्सेशन में बात करी थी, उन्होंने क्लियरली कहा था मैं चाहती हूँ विकास कि ये रिलेशनशिप वर्क कर जाए किसी भी तरीके से. मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ, मेरा इस समय इस लड़के के साथ रिलेशनशिप है, लोग जानते हैं, मैं किसी भी तरीके से शादी करके सेटल होना चाहती हूँ. उसका प्लान बहुत छोटा था, शी वांट्स टू गेट एंगेज, उसे शादी करना. आफ्टर इमेज शादी के बाद वो बच्चा चाहती थी, उसका ये फ्यूचर प्लान था. अगर उसका प्लान ऐसा था जिनके पास ये काम है या टाइम है वो चीजें कर सके, बट देयर आर डेफिनेटली दीज आर थिंग्स जो हमारे सामने हो रही है और हम चाहते हैं कि पुलिस एक एक करके स्टेटमेंट ले लोगों का, क्योंकि दो दिन हो चुके हैं. हमने हमारे नाम दिए हैं और हमने ये भी कहा है कि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए. मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जो प्रत्युषा ने मेरे साथ शेयर की है. हमने हमारा नाम दिया, हमने कहा है कि हम स्टेटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन अब तक हमें नहीं बुलाया. कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिया जा रहा है अभी तक किसी भी फ्रेंड का, और वो और पेरेंट्स जो है उनके वो बता पाएंगे बहुत सारे फाइनेंशियल डिटेल्स, चीजें डिटेल्स जो कि वो ऑब्वियसली वर्क कर रहे होंगे, लेकिन जो फ्रेंड्स है जो उनके साथ हर रोज रह रहे हैं वो यहाँ उनकी फैमिली है. बिकॉज जो भी इंसान बाहर से
कांग्रेस आता है काम करने के लिए दिस इज व्हाट इट बिकम्स दे नो अ लॉट ऑफ ट्रुथ अबाउट दिस रिलेशनशिप अबाउट व्हाट रियली हैपेंड एंड आई एम रिक्वेस्टिंग टू द पुलिस दैट प्लीज गो अहेड और आप इन लोगों का एक एक करके स्टेटमेंट लें तो आपके आपको पता चल सके ये एक इतना सिंपल सुसाइड केस नहीं है जितना कि दिख रहा है देयर इज वे मोर डेप्थ इन टू दिस लेट्स जस्ट ट्राई फाइंडिंग आउट एंड फाइंडिंग व्हाई अ गर्ल हु हैड एवरीथिंग गोइंग फॉर हर She has the career जो किसी को नहीं मिल सकता She has, she was a beautiful woman. She was already in love and she, the only problem that in her life was a disturbed relationship. जहाँ पर राहुल ने उनपे हाथ उठाया हुआ है publicly लोगों के सामने जहाँ पर एक ex-girlfriend है जिसको कोई रोक नहीं रहा है जो उनको physically assault कर रही है चीजें कर रही है और वो शादी करना चाहती थी जो कि शादी नहीं हो रही थी वो delay होती जा रही थी बार बार कुछ issues थे फिर उसके बाद जो बाकी इश्यूज आए होंगे वो आई थिंक द पुलिस विल बी द बेटर पर्सन टू फाइंड आउट व्हाट रियली हैपेंड इन दैट सर्कमस्टेंसेस यही सवाल है कि आप सब लोग कह रहे हैं कि हम स्टेटमेंट देने के लिए राजी हैं लेकिन माता पिता ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने डायरेक्ट क्लेम नहीं किया है राहुल पर अबेटमेंट मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहती हूं क्या उन पर कोई दबाव है आज हमारे पास उनका फोन आया है और वो वर्क कर रहे हैं इस चीज के पीछे माँ बाप जब कल पहुंचे थे अगर आप लोग वहाँ सभी थे आपने उनकी हालत देखी थी आपको लगता है वो इस हालत में ये कोशिश करेंगे वो अपनी बेटी को हग करें या गले लगाएं या बोले कि इसको पकड़ो या उसको पकड़ो उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा उन्होंने कहा है कि हमने नहीं देखा क्या हुआ हम चाहते हैं कि इसकी तफ्तीश की जाए कि एग्जैक्टली क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था उन्होंने ये बोला है कि उनकी रिलेशनशिप इतनी हंकी डोरी नहीं थी जितनी की बताई जा रही है प्रॉब्लम्स और इश्यूज थे पर माँ बाप डिस्टर्ब थे कल जब वो अब माँ बाप पुलिस से मिल रहे हैं उनकी तीन दिनों की बंगालीज में पूजा होती है चीजें होती हैं वो खत्म होने के बाद दे विल बी पर्सुइंग द केस फुल फ्लेजिडली दैट हैज बीन कम्युनिकेटेड टू अस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बॉडी पर इंजरी मार्क्स थे आप लोगों ने बहुत नजदीक से देखा होगा जी हमने बहुत नजदीक से देखा है बॉडी पर इंजरी मार्क थे उसकी नाक पर गहरी चोट थी काला हो चुका था यहाँ पर आंखों के नीचे इंजरी मार्क है जो हमारे पास उसके प्रूफ है जब पुलिस जाएगी तो हम उनको उसका भी हवाला दे रही है लीगल मैटर लाइक द लॉयर स्पीक ऑन दिस थैंक यू लीना